आप पता लगाइए, हम हमारे रिश्तेदार अगर किसी को कहीं दारू का एक दुकान भी हो, कोई धंधा भी हो, तो हम आजीवन मुंह नहीं दिखाएंगे श्रीमान में। हमने तो खुद कान पकड़ लिया कि दारू से हम लोग का तोबा है, दारू का नाम ही नहीं लेना है। आपने बंद कर दिया, अच्छा किया। अपना कौन विधायक की बात सुनते हैं? कौन विधायक उनकी यहाँ? विधायक चपरासी की हैसियत में रखता है मुख्यमंत्री की यहाँ? मुख्यमंत्री की यहाँ तब क्या, और क्या हैसियत है विधायक का, हमको बताइए ना आप, क्या हैसियत है विधायक का मुख्यमंत्री? जब 2017 में एनडीए आ गई तो शराबबंदी बहुत अच्छा मुद्दा हो गया और अपराध खत्म हो गया, स्पष्ट बात है। उसके बाद फिर जब महागठबंधन की सरकार आ गई तो फिर सरकार अब एनडीए चाहे लोगों द्वारा कि भाई शराबबंदी फेल है और अपराध बढ़ गया है, फिर कल सरकार आ जाएगी तो फिर अपराध। नीतीश कुमार जी लोगों के बहकावे में आकर के, पांच ही आदमी तो उनके पास है, वो जो पांच आदमी कहता है सो मानते हैं, वो बहकावे में आकर के ऐसे ऐसे निर्णय ले लिए और निर्णय से पीछे नहीं लगा, गलत के विरोध करेंगे आपका। लोग ये कहते हैं कि टूना बाबा के शराब के फैक्ट्री बिहार में बंद हो गए, नीतीश कुमार पर खिसिया ही रहा। ऐसा नहीं, हम तो कहते हैं अगर हम शराब का इतना सपोर्टर रहते तो बिहार छोड़कर हम झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में कहीं शराब का धंधा करते ना। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। बगल में देख सकते हैं सिवान के पूर्व MLC, कहा जाए तो बेबाक नेता सिवान के, हर मुद्दे पे अपने बेबाकी से बात रखते हैं। अभी आप देखिए शराबबंदी के विषय के लेकर के या अपराध के लेकर के, 2014-15 में महागठबंधन की सरकार बनी, 15 में बनी थी, बनी थी ना, तो 15 में जब बनी थी तो उस टाइम हुआ कि महागठबंधन जो बना तो अपराध बढ़ गया और शराबबंदी अच्छा निर्णय नहीं था, शराबबंदी फेल है, ये तमाम एनडीए के नेता लोग बोल रहे थे। लेकिन फिर जब 2017 में एनडीए आ गई तो शराबबंदी बहुत अच्छा मुद्दा हो गया और अपराध खत्म हो गया, स्पष्ट बात है। उसके बाद फिर जब महागठबंधन की सरकार आ गई तो फिर सरकार अब एनडीए चाहे लोगों द्वारा कि भाई शराबबंदी फेल है और अपराध बढ़ गया है, फिर कल सरकार आ जाएगी तो फिर अपराध खत्म हो जाएगा, बोलने की क्या, ये तो हकीकत है कि अपराध पहले भी था अभी है और अपराध बढ़ा है। लेकिन जब हम आते हैं सत्ता में तो कहते हैं कि अपराध खत्म हो गया और आप सत्ता में आए तो अपराध बढ़ गया, ये दोहरी बात जो होती है ना ये हमको खटकती रहती है। अपराध बढ़ा है तो बढ़ा है, इसमें कौन बड़ी बात है, बात खत्म। हाँ नहीं, अपराध बढ़ी है तो बढ़ी है, इसको सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, हमें और आपको तत्पर होना चाहिए, लेकिन बढ़ी है उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जब तक आप स्वीकार नहीं करिएगा तो उस पर आप काम क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा। स्वीकार करे क्या फायदा होगा, जनता तो पिस रही है इस आटा चक्की में। आप जब स्वीकार करिएगा तो नेता है क्यों नहीं आवाज उठा रहे, क्यों नहीं उतर रहे? हम बता, देखिए हम लोग हमेशा रोड पर उतरते रहते हैं, बात स्पष्ट है, नेता इतना कमजोर कोई नहीं है, स्पष्ट बात, नेता कमजोर है, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं। सरकार अगर एक काम कर दे हमारे स्वभाव से, अगर सिर्फ अफसरों का CR लिखने का पावर दे दे नेता को, कल अपराध बंद हो जाएगा, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। यहां तो जब DG मैडम आपका IG को गाली दे रही है, जब KK पाठक वैसे बड़ा अफसर अपने जूनियर अफसर को गाली दे रहा था, आम जनता को क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? नेता की क्या हैसियत है? नेता कान से मोटरसाइकिल छूट जाएगा एगो, आप ही हमको बताइए ना, हो सकता है थाना प्रभारी लाज में छोड़ दे लेकिन नेता का फिर भी नहीं छोड़ेगा, ये स्थिति आ गई है सरकार की। जब तक आप नेता को पावर नहीं दीजिएगा, जैसे नेता को अगर अफसर का CR लिखने का पावर दे दीजिए, BDO का, CO का, थाना प्रभारी का, वहां का विधायक अगर CR लिखना चालू कर दे, देखिए कल से अपराध बिल्कुल बंद हो जाएगा, हम गारंटी के साथ देते हैं। नेता को कोई पावड़े नहीं है, नेता का पावड़ है कौन जी, जनता चुनाव जिताती है, नेता कौन सुनता है, सो बताइए ना। सदन में आप कभी भगवान करे आप जीत कर चलिए, देखिए सदन में क्या स्थिति होती है, और जी मंत्री संतरी जितना लो है मुख्यमंत्री कुछ पूछता है जी, अभी सुधाकर सिंह क्यों हटे मंत्रिमंडल से, सच बोलने के चलते ना, वो अपन घर बनवाने के लिए नहीं कह रहे थे, स्वामी बताइए हमको ना, सच बोलिएगा तो हटा दीजिएगा, बिल्कुल हमारे में डिमेरिट है, हमको सच बोलना है, हम सुधाकर सिंह तो हमारे कोई रिश्तेदार है नहीं, हम उनका बड़ाई कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्री जी अपने आगे किसी को समझते थोड़ी है, किसी को नहीं समझते हैं, अपना कौन विधायक की बात सुनते हैं? कौन विधायक उनकी यहाँ? विधायक चपरासी की हैसियत में रखता है मुख्यमंत्री की यहाँ? मुख्यमंत्री की यहाँ तब क्या, और क्या हैसियत है विधायक का, हमको बताइए ना आप, क्या हैसियत है विधायक का मुख्यमंत्री जी की यहाँ? कोई हैसियत नहीं है, हम तो इतना ही कहें ना कि सुधाकर सिंह आवाज उठाए सेंड कर दिए गए, इसके पहले भी जितने विधायक आवाज उठाते हैं सेंड हो जाते हैं। जो अकबर ने कहा सो सही करते रहिए, आप कहते रहिएगा वो बात, आप जिंदाबाद उनके साथ मंत्री संतरी सब बनिएगा, ये सरकार की स्थिति है, हाँ भरते रहिएगा तो सही, हाँ भरते रहिए, बस यही बस सरकार की यही सबसे कमजोरी है सर।
हम लोग, अच्छा हम इतने बगावत में क्यों रहते हैं, हम सच बोलते रहते हैं। आप नीतीश कुमार के फेर में क्यों रहते हैं नेताजी, पिछले कई दिनों से देखा जाए, कई सालों से देखा जाए। आप देखिए अभी आप एक बात बताएं, शराबबंदी सही है कि गलत है? हम ये कैमरा अब हम बताएंगे ना कि क्यों विपक्ष में, एक ही शब्द पूछ रहे हैं, सही है ये गलत है, एक ही शब्द पूछना चाह रहे थे आपसे कि शराबबंदी बिहार में मैंने सही ढंग से लागू है कि नीतीश जी ने पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे। नीतीश जी का हम जिंदाबाद नारा भी लगाते थे। नीतीश कुमार जी जब कुछ नहीं थे, नया नया पार्टी बनाए थे, 20 आदमी को लेकर मात्र गोपालगंज में हम लोग खड़े थे। रघुनाथ झा सबसे साथ उनके थे, 20 से 25 आदमी उनके सभा में नहीं था, सबसे आगे टूना पांडे बैठा था, सबसे ज्यादा झंडा नीतीश जी को लड़का कौन है पूछे भी थे वहां पर। उनको नहीं पता था कि लड़का किसी एमएलसी बनकर आपके सदन में चल जाएगा। हम उस टाइम नौकरी करते थे गोपालगंज भीएम स्कूल में, प्रांगण में, फील्ड में, सबसे आगे हम जिंदाबाद नीतीश कुमार करने वाले हैं। नीतीश कुमार अच्छा काम करते थे। अभी नीतीश कुमार जी लोगों के बहकावे में आकर के, पांच ही आदमी तो उनके पास है, वो जो पांच आदमी कहता है सो मानते हैं, वो बहकावे में आकर के ऐसे ऐसे निर्णय ले लिए और निर्णय से पीछे नहीं हटते हैं। जैसे केंद्र सरकार को आप देखिए, केंद्र सरकार ने कानून लाया किसान बिल, उसमें 716 किसान मर गए। केंद्र सरकार को लगा कि हमने बिल तो अच्छा लाया लेकिन सरकार किसान के नजर में लगता है कि गलत है, तो उसने बिल वापस ले लिया सरकार, केंद्र सरकार। उसमें केंद्र सरकार की छवि गिर गई क्या, सो बताइए। अगर नहीं ली रहती तो आज 2000 किसान मर गए रहते, बात समझ गए। नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया, छपरा के मीटिंग में सबसे पहले हम कहने वाले नीतीश कुमार को, सब विधायक लोग बैठल थे, कुछ हरिशंकर सजाज उसल बैठल थे, हमने कहा कि बहुत अच्छा काम किया आप शराबबंदी लागू किए, वो हंसने लगे कि आप दिल से कह रहे हैं ना, मैंने कहा हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, शराबबंदी लगना चाहिए। तो शराबबंदी का मतलब हुआ नशाबंदी लगना चाहिए, आप ध्यान दीजिए। हम तो नीतीश कुमार को बार बार कहते हैं, ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार जी ने, आप गहराई से नहीं, पहले का आप लोग बात नहीं जानते इसीलिए आप लोग को लगता है कि हम उनका विरोध करते हैं। पहले उन्होंने ऐलान किया बाहरी कि जितने बिजनेसमैन हैं देश के वो बिहार में आए और शराब का टेंडर डालें, हम उनको शराब का टेंडर देंगे, ठीक है। उसमें हमने भी 4 कंपनी, जहाँ देहरादून में पढ़ते थे तो वहाँ से हमने, दिल्ली से, राजस्थान से, सिक्किम से हमने 4 कंपनी लाकर टेंडर डाला, बाहरी कंपनी। उन लोगों को हमने अपने खेत बारी जो भी बाने रखकर सिक्योरिटी जमा करके टेंडर में डाला, टेंडर हम लोगों को मिल गया। और मिलने के बाद 5 साल का टेंडर मिला, आपने ही हमको टेंडर दिया। और जब हम 2 बार चुनाव जीत गए तो आप पूछे कि भाई टूना पांडे मतलब कौन, भाई कौन आदमी है, इतना अथी आदमी है, बताया गया कि शराब का बिजनेस करता है। आपने दारूबंदी कर दिया, आप बंद कर, उस बाद आपने कहा कि क्षतिपूर्ति आपका देंगे, हमारा कोई कॉल डिटेल निकाल कर दिखाएं। हम 2-2 बार मुख्यमंत्री से भेंट किए, मुख्यमंत्री जी हमको अंजनी कुमार सिंह के पास भेजे, जो बड़ा सचिव थे, अंजनी कुमार जी हमको क्षतिपूर्ति आकलन किए कि भाई इनको दे दिया जाए, और किसी बिजनेसमैन का उन्होंने क्षतिपूर्ति नहीं दिया। तो हमने उसने क्षतिपूर्ति जब नहीं दिया तो आपका जब पूंजी साफ डूब गया, आपने ही हमको बुलाया, और वो कंपनी हमको तगादा करती है कि भाई आपके चलते हमारा रुपया डूब गया, हमको दीजिए आप, हम तो कहीं के नहीं रहे ना, आपके कहने से हमने पार्टी को लाया और आपने उसका क्षतिपूर्ति नहीं दिया, पहले बात। और सरकार को भी इतना नुकसान हो रहा है तो आपका विरोध तो करेंगे ना, जो आपने गलत किया विरोध करेंगे आपका। लोग ये कहते हैं कि टूना बाबा के शराब के फैक्ट्री बिहार में बंद हो गए, नीतीश कुमार पर खिसियाई रहे। ऐसा नहीं, हम तो कहते हैं उनसे कि नीतीश कुमार जी आप शराबबंदी किए, माँ भगवती करे कि आजीवन बिहार में शराब बंद रहे। अगर हम शराब का इतना सपोर्टर रहते तो बिहार छोड़कर हम झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में कहीं शराब का धंधा करते ना, आप पता लगाइए। हम, हमारे रिश्तेदार अगर किसी को कहीं दारू का एक दुकान भी हो, कोई धंधा भी हो, तो हम आजीवन मुंह नहीं दिखाएंगे सीमान में। हमने तो खुद कान पकड़ लिया कि दारू से हम लोग का तोबा है, दारू का नाम ही नहीं लेना है। आपने बंद कर दिया, अच्छा किया। हमारा जो नुकसान किया हो तो आपको देना चाहिए। अभी जितने लोग जहरीली कान से मर रहे हैं उनके ऊपर तो आपको ध्यान देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को बार बार चैलेंज देते हैं, कौन सा गलत कहते हैं भाई। हमारा भी अधिकार बनता है कि आप अपने मंत्री को, आप अपने विधायक को, सब लोग को ले चल कर नार्को टेस्ट कराइए, अपना भी नार्को टेस्ट कराइए कि आप लोग प्रतिबंधित नशा करते हैं कि नहीं करते हैं। हिम्मत है तो करके दिखा ले मुख्यमंत्री जी। ए महाराज, आप घर में बैठ करके VIP दारू पीजिएगा चुरा करके, और दिन भर जो मजदूरी बाहर काम करता है बेचारा भट्टा पर, और वो कहीं से महुआ फी करा रहा है तो उसको पकड़ कर जेल में ठोल देंगे आप। पता है दलित महिला को 10 साल का सजा हुआ है दारू में, सबसे पहले बिहार शरीफ में। आप दलित महिला को सजा हुआ है दारू पीने में, दारू बेचने में, बिहार शरीफ में 10 साल का सबसे पहला सजा बिहार का है। आप कितने लोग जेल में ठेले हुए हैं सो बताइए, उस पर कितना रुपया खर्चा हो रहा है सरकार का जेल में जो आप रखे हैं जितने लोगों को, सिर्फ अपने एक अहंकार के चलते ना। दारू तो बंद कहीं है नहीं। हम तो कहते हैं कि आप इतना विवेकानंद बने हुए हैं तो आप विवेकानंद बनिए, अच्छी बात है। आप में अगर थोड़ी भी नैतिकता अगर है
तो आप सिर्फ नार्को टेस्ट करा लीजिए, अपना, अपने बेटा का, अपने सारे मंत्री का, बेटा का भी भाई, तो बेटा का नहीं कराएंगे, वही आपका परिवार का है ना, वो तो आपका परिवार का है ना, क्यों नहीं कराएंगे भाई, कि भाई वो नशा करता है कि नहीं करता है, हमारा भी कराइए, हमारे बेटे का भी कराइए। अरे मुख्यमंत्री का मतलब क्या हुआ, वर्मा विष्णु महे सरकार, अरे वो भी आदमी ना है भाई, मुख्यमंत्री भी तो आदमी है, कल मुख्यमंत्री पर हटेगा तो कोई नहीं पूछेगा, मुख्यमंत्री को इतना अहमियत क्यों आप लोग देते हैं, नहीं समझ रहता है, हम MLC रहे हैं, वो भी MLC रहे हैं, MLC बन करके हम चुनाव जीत कर गए MLC, वो मनोनीत होकर गए MLC, मुख्यमंत्री मोदी कोई सोना का थोड़ी हो गए व्यक्ति, भगवान राम थोड़ी है, उनकी इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है, वो अहंकार में परिपूर्ण आदमी है, एक आदमी देखिए अहंकार है उनको खत्म कर लेगा। उपेंद्र कुशवाहा अपने साइड हुए ना, हम तो कह रहे हैं ना भाई, आपको ऊपर आरोप लगाए हैं कि आप को टेस्ट करा लीजिए, अपने मंत्री संतरी, अपने बेटा का, अपने और अपने सारे मंत्री विधायक का, हमारा भी भाई है उसमें विधायक है, आपका तो मुख्यमंत्री का भाई या भतीजा विधायक नहीं होगा, हमारा भाई तो भाई विधायक है, आप सबका नार्को टेस्ट कराइए ना भाई, कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित नशा हम नहीं किए, उसमें गांजा भी आता है, आप हमारा इशारा समझ गए होंगे, मैं नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री मोदी गांजा पीते हैं, हमने ये नहीं कहा आपसे, उनका लड़का गांजा पीता है, हमने ये भी नहीं कहा आपसे, हमने कहा कि प्रतिबंधित नशा आप कोई करता कि नहीं करता है, जितने मंत्री संतरी हमारे घर में हजार हजार का बोतल चोरा कर बैठ कर पिएगा तो ठीक, सचिवालय में विधानसभा में आपको दारू का बोतल मिलती है, कौन फेंकता है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, आप बताएं हमको, ये तो कहां जाएंगे उधर, तो नहीं नहीं वहां तो कोई अफसर है ना फेंकता होगा पिया होगा जी, तो इस पर, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं, फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप टू 9, विजिट टुडे लवा नियर करबल्ला बाजार बरेड़िया सिवान।